रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त नरेन, लेकर हाजिर हूँ आपका शो जिसका नाम है आई वे, ये है रोशनी का कारवां। कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी की परेशानियों से हार मानकर खामोश बैठ जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके हौसले के आगे जिंदगी की परेशानियां हार मानकर खामोश बैठ जाती हैं। कृतिका पुरोहित उन्हीं में से एक है। जीएस मेडिकल कॉलेज से फिजियोथेरेपी में रेगुलर बैचलर्स डिग्री कोर्स करने वाले यूं तो कई स्टूडेंट हैं, पर संभवतः कृतिका पहली ऐसी स्टूडेंट हैं जो दृष्टिहीन हैं। फर्स्ट ईयर में उनके 60% मार्क्स आए और इस वक्त वो सेकेंड ईयर में है। कृतिका दृष्टिहीन है और फिजियोथेरेपी में रेगुलर बैचलर्स डिग्री कोर्स कर रही हैं। ये हमने बोल तो आसानी से दिया, पर यहां तक पहुंचने के लिए उनको कई बाधाओं को पार करना पड़ा। कुछ अरसे पहले हमारे साथ ही जॉर्ज अब्राहम से बात करते समय कृतिका ने अपने संघर्ष और सफलताओं के बारे में बताया। नमस्कार कृतिका पुरोहित, आपका हमारे कार्यक्रम आई वे, ये रोशनी का कारवां में स्वागत है। थैंक यू। मेडिकल कॉलेज में ब्लाइंड व्यक्ति का एडमिशन, ये तो मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, तो ये आपको आसानी से मिल गया या आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ा? नहीं, मेहनत तो करना पड़ा मुझे इस मेडिकल के लिए नहीं, पर साइंस में जाने के लिए भी मेहनत करना पड़ा, क्योंकि साइंस में अभी तक कोई ब्लाइंड गया नहीं है जी। तो फिर ये XRCVC जो है, रिसोर्स सेंटर फॉर विजुअली चैलेंज, मेरे सक्सेस में उनका बहुत बड़ा हाथ है जी। तो उन्होंने मुझे साइंस में जाने के लिए इंस्पायर किया जी। और उन्होंने पूरा मुझे मदद किया, इसी वजह से मैं साइंस में गई। फिर साइंस के जाने के लिए रूल निकालना पड़ा कि ये बड़ा प्रॉब्लम था कि ब्लाइंड प्रैक्टिकल कैसे कर सकता है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहता है जी। तो हमने कहा कि अगर एग्जाम के लिए अगर हम लोग राइटर ले सकते तो फिर प्रैक्टिकल के लिए हेल्पर ले सकते जी। तो वो सब मतलब डिस्कशन वगैरह हुआ बोर्ड में पूरा, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मेरा उन लोग ओरल लेंगे एग्जाम। तो डिसेक्शन और बॉडी का एनालाइज करना, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को समझना, हाँ जी, तो ये काफी कुछ लोग देख के जी सीखते हैं जी। तो इसमें आपके लिए काफी चैलेंजिंग होगा ये डिसेक्शन। उन लोगों को करना नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग पीटी मतलब फिजियोथेरेपी स्टूडेंट है, तो उन लोग का डिसेक्शन नहीं है जी। पर आइडेंटिफिकेशन है मसल्स के वगैरह, तो वो मैं हाथ लगा के आइडेंटिफाई करती हूँ। उन्होंने मुझे हाथ लगाने के लिए परमिशन दे दी है जी। तो रियल बॉडीज पे आपको आपका ये प्रैक्टिकल्स होते हैं? हाँ, रियल बॉडीज पे होते हैं जी। ओके। और कॉन्सेप्ट्स जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो है जी, अक्सर उसे डायग्रामेटिकली जी सिखाते हैं जी। तो ये डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन या डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह है, ये आप कैसे हैंडल करते हैं? हमारे ब्लाइंड के लिए एक डिवाइस आता है जी, एक प्लास्टिक पेपर करके आता है जी। तो वो रबर मैट पे रखा और उसके ऊपर अगर पेन ने भी अपन ने ड्रॉ किया जी, तो फिर उस पर एम्बॉस होता है वो जी। तो फिर वैसे मेरी मम्मी मुझे डायग्राम या तो फिर जो कुछ है मीन्स कंस्ट्रक्शन वगैरह वो निकाल के दिखाती थी जी। और वैसे मैं सीखती थी डायग्राम्स वगैरह। बच्चे अक्सर शाम को खेलते हैं और दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, तो आपका बचपन और जो शाम का फ्री टाइम हुआ करता था, तो आपका एक्टिविटीज क्या थे? कभी मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मैं बाहर जाके घूमूं या तो फिर किसी के साथ खेलूं वगैरह, पर फिर भी हमारे मतलब हमारे चौल सिस्टम है, तो हमारे पीछे वाली चौल में जो बच्चे थे वो मुझे खेलने में लेते थे। उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया कि भाई इसको दिखता नहीं है तो हम लोग इसको लेंगे नहीं, मतलब पकड़ा पकड़ी वगैरह सब चीजें, मतलब मैं ब्लाइंड हो गई फिर भी मैं सब चीजें खेल चुकी हूँ, मतलब लपा छुपी होता है और पकड़ा पकड़ी होता है, सब सब चीजें मैं खेल सकी हूँ। आपका क्या इरादा है, आप आगे पढ़ेंगे फिजियोथेरेपी में, आगे भी स्पेशलाइज करेंगे या आप काम करना शुरू करेंगे? आगे मुझे स्पेशलाइजेशन करना है जी, पर देखते अभी अगर अच्छे मार्क्स मिले हो गए अच्छी तरह से तो फिर मास्टर्स करूंगी। तो आप ब्लाइंड होने की वजह से आपको डिग्री करने के लिए तो काफी दिक्कतें हो रही है जी, तो आपको काम मिलना उतना आसान होगा या आप? नहीं, आसान नहीं है, क्योंकि हर मतलब जो पेशेंट्स है मोस्टली वो लोग इतना विश्वास नहीं रखते कि ब्लाइंड कर सकता है ऐसे जी।
तो मैं सोचती हूँ अगर जो हेड्स होते हैं उन्होंने अगर हम लोग के ऊपर विश्वास रखा जी, तो शायद ये आसान हो सकता है। पर अभी ये जो सर्टिफिकेट कोर्स किए हुए जो ब्लाइंड फिजियोथेरेपिस्ट है जी, तो वो अभी मुंबई में बहुत से हॉस्पिटल्स में है जी, भले प्राइवेट है पर ठीक है वो है, तो उनकी वजह से अभी बहुत अवेयरनेस आ गया है कि ब्लाइंड फिजियोथेरेपी कर सकता है जी, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इतनी दिक्कत आ सकेगी। राइट, तो काफी लोग अभी ऑलरेडी हैं क्षेत्र में जो फिजियोथेरेपी कर रहे हैं जी, तो आपके लिए मैदान उतना कठिन नहीं होगा। नहीं, बहुत अच्छे। तो आपने अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष किया और आपने अपना जो पसंदीदा क्षेत्र या रास्ता चुना, आपके लिए मुबारक हो। थैंक यू। और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आगे भी जाके आप सफलताओं के साथ जिंदगी जिएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की। थैंक यू। कृतिका के संघर्ष और उसकी सफलता को सुनकर यही लगता है कि कुछ लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कई बार कई तरह की अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है, पर मंजिल मिलती जरूर है अगर जीतने का इरादा पक्का हो। अधिक जानकारी के लिए हमारे आई वे हेल्प डेस्क 0114607038 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। मैं कहां रुकता हूं अर्शो फर्श की आवाज से, उड़ना है मुझे ऊंचा हदे परवाज से। मैं हूं नरेन और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आई वे, ये है रोशनी का कारवां। बैंक मैनेजर रजत अग्रवाल से मिलते ही आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि दृष्टिहीनता किसी की राह की रुकावट नहीं बन सकती है। बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद रजत ने बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर के परीक्षा की तैयारी की और रिटन एग्जाम पास करने के बाद इंटरव्यू में भी सबको इम्प्रेस किया। उनकी नॉलेज, उनकी तैयारी और उनका आत्मविश्वास देखकर हर कोई भूल गया कि रजत अग्रवाल दृष्टिहीन है। आज वो अपनी मेहनत के बल पर बैंक मैनेजर के पद तक पहुंच गए हैं। रजत अग्रवाल की बात बताते बताते मुझे ख्याल आया कि क्यों ना आपसे पूछ लूं कि आप में से कोई किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने तो नहीं जा रहा। अगर हाँ तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिएगा ताकि आप भी रजत अग्रवाल की ही तरह सफल हो सके। ज्यादातर ऑफिसों में दृष्टिहीनता को एक कमी समझा जाएगा, पर आप अपनी काबिलियत दिखाकर ही उनकी ये धारणा बदल सकते हैं। रजत अपने साथ अपना लैपटॉप लेकर गए थे और जॉस स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर की मदद से अपने इंटरव्यूअर को समझाने में कामयाब रहे कि अपना काम वो कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं और हर वो काम आसानी से कर सकते हैं जो बैंक की नौकरी के लिए जरूरी है। आप भी अपने जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटरव्यू की ऐसी ही तैयारी कर सकते हैं। एक और बात, जब भी इंटरव्यू देने जाएं अपने सर्टिफिकेट्स और दूसरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिप्ड फोल्डर में लेकर जाएं ताकि जब जरूरत हो तो उन्हें दिखाने में आपको भी आसानी हो और कोई देखना चाहे तो उसे देखने में भी आसानी हो। और जिप्ड फोल्डर में पेपर्स रखने का फायदा ये भी है कि किसी वजह से फाइल कभी गिर भी जाए तो पेपर्स कभी बिखरेंगे नहीं। और हाँ, जिस नौकरी के लिए आप इंटरव्यू देने पहुंचे हैं उसके बारे में पूरी रिसर्च करके ही जाएं ताकि आप बेहतर तरीके से सवालों के जवाब दे सकें। पेश है आईवे की एसएमएस अलर्ट सेवा जो आपको देती रहेगी नियमित रूप से हर अहम जानकारी फ्री। रजिस्टर करने के लिए एसएमएस करें ऑन स्पेस आईवे न्यूज और भेज दें 9870807070 पर। आज हम आपको एक कॉलेज के क्लासरूम में लिए चलते हैं, सुनते हैं कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। यार विजया, बोर हो रही हूँ सर, क्या पढ़ा रहे थे कुछ पल्ले ही नहीं पढ़ा।
अगली क्लास तो और भी पका हुआ है। मेरा बात तो ठीक है, क्या प्लान है? आज बंक मारते हैं, फिल्म देखने चले। ओह वाओ, नॉट अ बैड आइडिया यार, किसी और को पूछें? पूछ के देख। तो ठीक है, फिर मैं नेहा से पूछ कर देखती हूँ। ओके। ओए नेहा, ओए सुन। हाँ बोल। ओए यार, फिल्म देखने चले क्या? हाँ मूड तो है, और कोई जाएगा? मेघा है ना। मेघा वो जो ब्लाइंड है, वो पिक्चर हॉल में जाके मूवी देखती है? हाँ, लेकिन तुझे इतनी हैरानी क्यों हो रही? तुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ यार, फिल्म में सिर्फ विजुअल्स ही नहीं होते, ऑडियो भी होता है, और फिर हम भी तो हैं उसे बताने के लिए। अरे यार, वहाँ जाके उसे रनिंग कमेंट्री देंगे या मूवी देखेंगे? यार जब तू हमारे साथ इंग्लिश मूवीज देखने जाती थी, हम तब भी तो यही करते थे, हर दो मिनट पर क्या बोला करती रहती थी। तू भूल गई? अरे यार एक बार और सही ना। जी हाँ, जो लोग फिल्म देख नहीं पाते, उन्हें भी फिल्म देखकर वही मजा आता है जो किसी दृष्टिवान को आता है। क्या आपको पता है कि आजकल कई फिल्में ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ भी उपलब्ध हैं? फिल्मों में कई सीन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई डायलॉग या साउंड नहीं होता। इन सीन्स में एक्शंस या किसी पात्र का इमोशन, उसकी भावनाएं या एक्सप्रेशंस होते हैं। इन ऑडियो डिस्क्राइब्ड फिल्मों में ऐसे ही दृश्यों को बोलकर या नरेट करके बताया जाता है, ताकि दृष्टिहीन दर्शक फिल्म के हर सीन को समझ सकें, उसका आनंद ले सकें। तारे जमी पर, ब्लैक, मुन्ना भाई MBBS और पीपली लाइफ जैसी हाल ही की कई हिट फिल्मों की ऑडियो डिस्क्राइब्ड वर्जन्स उपलब्ध हैं। खोलो खोलो दरवाजे, पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा, मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके, अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। और अब बारी है हमारे दूसरे एपिसोड में पूछे गए सवाल के विजेता का नाम बताने की। हमने आपसे पूछा था, टॉक 64 सॉफ्टवेयर की मदद से कौन सा खेल सीखा जा सकता है? ए फुटबॉल, बी बेसबॉल या सी चेस? और सही जवाब है सी, यानी चेस। सही जवाब भेजने वालों में जिनका नाम लकी ड्रॉ से लकी विजेता के रूप में निकला है, वो हैं कानपुर के SK तिवारी। आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक, आपका उपहार जल्द ही आप तक पहुंच जाएगा। अब जरा आज का सवाल जल्दी से नोट कीजिए। हमारा सवाल है, कृतिका किस सब्जेक्ट में रेगुलर बैचलर्स डिग्री कोर्स कर रही हैं? ए फिजियोथेरेपी, बी हिस्ट्री या सी म्यूजिक? आप अपना जवाब हमें 5 दिनों के अंदर 9968329329 यानी 9968329329 नंबर पर SMS कर दें। अपना जवाब आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल ID है radio@iway.org यानी radio@eyewy.org। और हाँ, जवाब के साथ अपना नाम पता लिखना नहीं भूलें, क्योंकि लकी ड्रॉ से चुने गए विजेता को मिलेगा एक आकर्षक उपहार। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। ये रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन।